दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिससे आप यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट बना लेते हो और इस पे काम करते हो तो आप महीने के 20 से 30 हज़ार आसानी से कमा सके वो भी घर बैठे। दोस्तों कौन सी प्लेटफॉर्म है मैं आपको बताऊंगा। इस प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों पहले से आप जानते होंगे पर आपको नहीं पता है किस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे नए वीडियो में सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को करते हैं। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले अमेज़न के ऊपर। तो अमेज़न को कौन नहीं जानता दोस्तों, कभी ना कभी आप अमेज़न से कोई ना कोई सामान बाय किया होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप अमेज़न के साथ मिलकर जैसे आप सामान बाय करते हो लेकिन दोस्तों अमेज़न के साथ थोड़ा एक छोटा सा काम करके वहाँ से अमेज़न का ही प्रोडक्ट आप यूज़ करके यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको एक रुपये भी लगाना नहीं है अपना, बस अमेज़न का ही जो प्रोडक्ट है उसको उठा के दूसरों को सौंप देना है, बस ऐसे ही समझिए। कुछ आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से करना है। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपने अमेज़न के ऊपर। दोस्तों पहले ही आप पास एक अमेज़न का अकाउंट होगा जिससे आप प्रोडक्ट बाई किए होंगे, बस उसी अकाउंट से बना सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हैं amazon.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहे इस काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर से, या फिर अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के ऊपर अपनी amazon.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अमेज़न के ऊपर, इसी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे शेयर करके अपनी बहुत अच्छी सारी कमाई कर सकते हो। दोस्तों कैसे करना है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे अमेज़न के ऊपर आपको बहुत सारे यहां पे प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाई करते हो यहां से तो आप यहां से इजीली बाई करते हो। लेकिन अगर आप अमेज़न के ऊपर एफिलिएट बना लेते हो, एफिलिएट अकाउंट बना लेते हो, उसके थ्रू आप लिंक शेयर करते हो किसी को भी, तो दोस्तों यहां पे उसका आपको कमीशन आता है। यहां तक कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का लिंक डाल देते हो, शेयर कर देते हो, उस लिंक के थ्रू जो भी प्रोडक्ट का लिंक होती है अगर वहां पे जो बायर होता है जो भी आपको लिंक को क्लिक करता है तो उसको जो प्रोडक्ट का लिंक डाले हैं वो प्रोडक्ट ना खरीद के अनोदा दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तब भी आपको यहाँ पे पैसे आते हैं, जो कमीशन आती है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात ये है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कमाने वाले कमा रहे हैं, कमाने वाले तो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। दोस्तों आप बिजनेस हम मान के चलते 20 से 30 हज़ार इजिली से आप मेहनत करके महीने का कमा सकते हो पार्ट टाइम करके। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी काम करते हो उसके अलावा भी ये काम कर सकते हो, किस प्रकार आपको करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो अमेज़न का एप्लीकेशन है या फिर अमेज़न का वेबसाइट, इस पे आ जाने हैं। आ जाने के बाद सबसे नीचे आपको आना है, नीचे एकदम, तो यहाँ पे मेक मनी विथ अस, यहाँ पे देख सकते हैं इस इन सारी चीजों को लेके आप यहाँ पे पैसे बना सकते हो। बहुत से लोग इसके साथ टाई अप किए हैं, जैसे अपनी प्रोडक्ट को इसके ऊपर डालते हैं, वहाँ से बाय करते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं, उसके बाद वहाँ से लोग परचेज करते हैं, वहाँ से उनको कमीशन आ जाता है या फिर वहाँ पे वो अपने सामान को बेच के मुनाफा कमाते हैं जो भी चीजें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक रुपये भी लगाना नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको यहाँ पे बस पैसे कमाने हैं। दोस्तों कैसे, दोस्तों बिकेम एन एफिलिएट वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक एफिलिएट अकाउंट बनानी है। एफिलिएट अकाउंट का मतलब सिंपल यही है, मैं आपको बता दिया हूँ कि जो भी प्रोडक्ट इस पे अवेलेबल है अमेज़न के ऊपर उसी का यहाँ पे लिंक शेयर करना है, और जो भी लिंक से आपके वहाँ पे बाई करता है एफिलिएट अकाउंट के तो वहाँ से भी आपको बस उसी का यहाँ पे कमीशन आता रहेगा। तो यहाँ पे बस सिंपली आपको क्या करना है, एफिलिएट अकाउंट के एसोसिएशन आपको बनना है। तो यहाँ पे हम पेज पे आ चुके हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली दो चीज़ें मिलता है आपको, साइन इन और साइन अप। साइन इन उन लोगों के लिए होता है जो यहाँ पहले से उनका अकाउंट बना हुआ है एफिलिएट का, बस उनको लॉग इन करना होता है। लेकिन यहाँ पे साइन अप उनके लिए होता है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे उनको एफिलिएट अकाउंट का क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है, तो साइन अप वाले पेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेस आएगा अपना, कैसे कैसे बनानी है सारी चीज यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले आपकेगा इन्फॉर्मेशन, जो की आपको डिटेल आपके बारे में पूछा जाएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे की आपका मोबाइल नंबर इत्यादि। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एड्रेस हैं जो की हमने अलग अलग एड्रेस पे अपनी प्रोडक्ट बाय किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं, क्योंकि पहले से आपके पास अगर अकाउंट है अमेज़न का तो आपका भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे नेम, पे नेम में आपका नाम डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज, पोस्ट, अलग अलग लाइन में डाल देना है, जैसे कि प्रथम में यहाँ पे विलेज आपका डाल देना है, उसके बाद सेकंड में पोस्ट ऑफिस, थर्ड में डिस्ट्रिक्ट, जिला इत्यादि, यहाँ पे सारी चीजें आप पढ़ के डाल सकते हो। यहाँ पे पोस्टल कोड हो गया, उसके बाद कंट्री हो गया, कंट्री बाय डिफॉल्ट है, उसके बाद फोन नंबर डाल देनी है, उसके बाद यहाँ पे हु इज द मेन एबो, इसको तब डालनी है जो अलग दूसरा इन्फॉर्मेशन के नाम से यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम हो। तो अगर यहाँ पे अलग नाम रखना चाहते हो, जैसे बहुत से लोगों का अलग नाम से अगर आप लेट बनाना चाहते हो कॉन्टेक्ट नेम अलग डालना है, या फिर सेम अपना ही नाम डाल सकते हो, या फिर यहाँ पहला ऑप्शन है तो चॉइस कर लेना है। अगर पहला ऑप्शन यहाँ पे चॉइस कर लेते हो हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर द अकाउंट, तो ये ऑप्शन हट जाएगी। अगर समवन एल्स करते हो दूसरा नाम डालना चाहते हो तो ये ऑप्शन आएगी, इस प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएगा यूएस टैक्स पर्पस, अगर आप यूएस पर्सन हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं हो इंडिया से बिलोंग करते हो सिंपली आपको नो ही रहने देना है, ठीक है ये चीजें। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीजें
जी आपका आ रहा है बाई डिफॉल्ट आपका एड्रेस यहाँ पे है, तो आप मैं सिंपली से पहले से बहुत सारे एड्रेस यहाँ पे फिल करके रखा हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट दिस एड्रेस पे क्लिक कर लेंगे, कोई भी एक एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपनी एड्रेस चॉइस कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ध्यान दे देना है क्या क्या मैंने बताया। यूएस टैक्स को नो करना है हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद लोडिंग होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, जो कि यहाँ पे वेबसाइट एंड मोबाइल एप लिस्ट के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको वेबसाइट मांगे दोस्तों, आपके पास वेबसाइट तो है नहीं, यूजली आपको क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल बना लेना है। दोस्तों आप बहुत से यूट्यूबर को देखे होंगे, वो कोई भी ब्रांड का यहाँ पे प्रमोशन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का, तो उनके ऐप जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे लिंक उन्होंने दिया होता है पहले से ही। जैसे वो अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे गेम गिम्बल कैमरा इत्यादि जो भी यूज़ करते हैं यूट्यूबर लोग, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट का लिंक जो है यहाँ पे दे देते हैं, सारे प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो जो सारे लिंक होते हैं दोस्तों, वो सारे एफिलिएट लिंक होते हैं, जब वहाँ से कोई भी बंदा वहाँ पे प्रोडक्ट, तो वहाँ पे क्या है, उन जो भी जिसका भी लिंक होता है उनको यहाँ पे कमीशन जाता है। तो आप सिंपली एक यूट्यूब चैनल बना लेना, यूट्यूब चैनल बना के उसका जो URL होती है आपकी यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब चैनल का URL कैसे निकलेगा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सिंपली अपनी चैनल का जो भी यूट्यूब चैनल आपने बनाया होगा दोस्तों, उस पे जाना है और आपकी ऑफिशियल पे होम पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे होम पे आया, और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो भी आपका चैनल है, तो दोस्तों सिंपली लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी करके सीधे आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो वेबसाइट लिखा हो इस पे आपको अपनी URL कॉपी पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के दोस्तों सिंपली बगल में आपको ऐड का बटन दिखेगा, उस पे आपको ऐड कर देनी है, जिससे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है, नीचे आ जाना स्क्रॉल करके, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है, जहाँ पे आपको स्टोर ID बनानी पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ अबाउट में आप डाल सकते हो कि आपका जो वेबसाइट है या फिर यूट्यूब चैनल किसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप ईमेल ID जैसे यहाँ पे स्टोर ID बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे अपना नाम स्टोर ID का रख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको बना लेना है, देख सकते हैं इसी तरीके से। उसके बाद दोस्तों नीचे अबाउट में आप अपने चैनल के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें कि कौन से टॉपिक पे आपका चैनल होती है या वेबसाइट है। और नीचे आएंगे दोस्तों, आपको नीचे में आपको मिलेगा कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी नीचे आपको सेलेक्ट करनी है, ब्लॉग है या फिर क्या है, आप कौन सा सर्विस देते हो अपनी वेबसाइट पे या फिर क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ब्लॉग का, अगर ब्लॉग का चैनल तो ब्लॉग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, या फिर आगे जो भी चीज़ इसमें ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे हाउ डू यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे आपने से पूछा जाए कि कहाँ से इसके बारे में आपको पता चला, तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगेगा कि आपको इसके बारे में कहाँ पता चला वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरने की बात आती है, तो कैप्चा कोड आपको सिंपली यहाँ पे सेंड जो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कैप्चा कोड उसी तरीके से यहाँ पे भर के लास्टली आपको सबमिट करना होता है, जो कि आपको नीचे मिल जाता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चेकबॉक्स है, इसको आपको चेक टर्म एंड कंडीशन को चेक कर देना है। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है, फिनिश पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे जो ID क्रिएट हो जाती है सफलतापूर्वक। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ID जो है क्रिएट हो चुकी है, आपका जो Amazon एफिलिएट के अकाउंट का ID यही है, जिससे आपके अकाउंट की पहचान होगी थी, इसको सिंपली आपको यहाँ पे लिख के रख लेनी है, जो आपको भविष्य में एनी टाइम काम आएगा, जो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल देनी होती है, जो चाहो आप अभी इंस्टेंट यहाँ पे सेट कर सकते हो, फिर बाद में भी कर सकते हो, तो हम यहाँ पे तुरंत कर लेते हैं, जिससे हमको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी अकाउंट लगाना चाहते हो उसको आप लगा सकते हो, जो भी आपका पेमेंट आएगा इसी अकाउंट में रिसीव होगा। दोस्तों यहाँ पे हम अकाउंट सेट कर लेते हैं, इसके लिए नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमको पासवर्ड पूछा जा रहा है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो सिंपली पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। लेकिन अगर पासवर्ड नहीं पता है दोस्तों, तो सिंपली आपको फॉरगेट पे क्लिक करना है, जिससे फॉरगेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए मांगा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर OTP आएगी, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर भी OTP आएगी। OTP सिंपली डालने के बाद आपको न्यू यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, उस आधार पे आपको 8 से 9 अंकों का यहाँ पे पासवर्ड बना लेनी है। उसके बाद सिंपली लॉगिन करना है, लॉगिन करते ही आपको लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद साइड डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने लगेगा, आपको आगे मैं दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1000 मिनिमम आपके पास जैसे यहाँ पे अर्निंग हो जाती है आपके एफिलिएट अकाउंट पे, तो आपको NFT के थ्रू आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इसको को क्लिक करना है, क्लिक करना है, सिंपली आगे बढ़ जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम पूछा जा रहा है, जो अकाउंट में नाम होगा वहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको आगे भी कन्फर्म अकाउंट नंबर दोबारा से फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक नेम जो भी आपका खाता हो जिस भी बैंक में, बैंक का नेम डाल देना। उसके बाद IFSC कोड जो भी वो भी डाल देना है। उसको डालने के बाद सारी चीज करने के बाद नीचे सबमिट एंड टैक्स कंटिन्यू कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारे हमारे जो है एफिलिएट अकाउंट है बन चुका है सिंपली यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं लास्टली यहाँ पे इनकम्प्लीट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये टैग इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे पैन कार्ड मांग रहा है, तो पैन कार्ड भरना होता है दोस्तों। इस पर क्लिक करके आप इनकम्प्लीट पे आप सारे पैन कार्ड डिटेल भी दे सकते हो, चाहो तो बाद में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। इतने सारे होने के बाद मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अपलेट लिंक आपको शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी अपलेट लिंक को शेयर करना है और कैसे आपको अर्निंग करना है। बस आज के लिए बस इतना ही, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि नए वीडियो आने पर सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी मैं लेके आऊंगा पार्ट टू इसका, जिसमें बताऊंगा प्रोडक्ट लिंक को कैसे शेयर करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद जय भारत।